जिन्होंने देश में अपमान किया है, इसके इसका तिरंगे का सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मंच हम उनके साथ नहीं। रहा सवाल किसानों का सवाल पर, और उनको देशद्रोही कहा जाए, दुख की बात है। उनसे बात देख सकते हैं मेरे पीछे, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कॉर्पोरेशन कमेटी द्वारा मांग की जा रही है। क्या बात है इनका, आज पूरे बाजार में इन्होंने रैली निकाली हुई है, क्या कारण है इनसे जानते हैं। अडानी अडानी हाय हाय, क्या बात है जो आज सड़कों में उतरी। आगे चल चल। सबसे बड़ी बात ये है, आज 75 दिन हो गए हैं, किसान कुछ नहीं मांग रहा। किसान कह रहा है कि जो 3 बिल्ला आपने जमीन पर लाए हैं, ये किसान विरोधी है। किसान विरोधी क्यों हुआ मैं आपको गिन के बताऊं। वो कह रहे हैं ये जो बिल हैं MSP सरकार हटा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट की मंडी लगती थी, जब वो हट जाएगी तो किसान अपना माल अवानी और अडानी के जहाँ कहाँ माल बेचेगा। वो कह रहा है कि सरकार अपनियाँ मंडियाँ रखे, डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो। डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है कि किसान ये जो उसकी पैदावार में जो लागत मूल्य है उससे डेढ़ गुना उसे बेनिफिट दीजिए, और कुछ नहीं किसान मांग रहा। नंबर 1। दूसरा ये कह रहा है ये ठेके पे जो जमीन है, ठेके पे जो जमीन सरकार बड़े बड़े शाहूकारों को अवानी अडानी को दे रही है 100 साल रिजू पर, 50 साल रिजू पर, ये ठेके की जमीन किसान पैसा चुका नहीं पाएगा, जमीन किसान की गई, किसान बेरोजगार हो जाएगा। दूसरा बिल। तीसरा बिल वो ये कह रहे हैं जो सब दुकानदारों के लिए, एम्प्लॉय के लिए, सबके लिए है, एक बिल ये है कि जितना मर्जी स्टॉक शौकर रखे, कोई पाबंदी नहीं। पहले पाबंदी थी तेल, आटा, चावल, आलू, प्याज वगैरह, इस पर पाबंदी थी, अब पाबंदी कोई नहीं है। किसान ये कह रहा है, दुख की बात ये है कि बिल अभी आ रहे हैं, 2 साल पहले अवानी अडानी ने बड़े बड़े माल बना लिए, 200 एकड़ जमीन में माल बना लिए, ये कैसे हुआ? बिल अभी पास हो रहा है, माल पहले बन के उनको छूट दी गई। इसलिए नारा था अवानी अडानी मुर्दाबाद, अवानी अडानी का जार कौन? मोदी यार, मोदी यार, ये नारा था। इसलिए ये किसान विरोधी बिल हैं। इस सवाल पर शांति परेड थी, सरकार से अंडरस्टैंडिंग बनी, पुलिस से अंडरस्टैंडिंग बनी कि 10 बजे का टाइम चुना गया, 10 बजे शांति परेड करेगा, 10 बजे तिरंगा लेकर किसान अपने ट्रैक्टर परेड में गए, और 10 बजे का टाइम था, एक गुट 8 बजे ही वहां से निकल पड़ा। सरकार कहां थी, फोर्स कहां थी, लाल किले की फोर्स कहां थी, सरकार कहां थी? वो कैसे लाल किले के अंदर पहुंचे और खाली किसानों को बदनाम करने के लिए एक आदमी का पिन पॉड हुआ। ये दीप सिंधु जो है ये पीएम ऑफिस के नजदीक है, गाइड करके ले गए। तो इसलिए किसान आंदोलन बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां वहां बैरी केर लगा रहे हैं, वहां कंडे लगा रहे हैं। तो इस सवाल पर ये था कि गिरफ्तार किसान यार उनको रिहा करो, झूठे केस बंद करो। अभी 122 की पहचान दी की है दिल्ली पुलिस ने, कुछ लोग और बाकी हैं वो भी बताओ हमें, वो लोग कहाँ हैं? इसलिए बंदगी काल थी कि मोदी जी हमें राज सतानी चाहिए, हमें चाहिए कि जैसे हम पहले गुजारा करते थे हमें जीने का अधिकार दे दो, हम बेरोजगार हो जाएंगे। पौनी में बंद का असर नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए हमने बंदगी काल नहीं दी थी, ये हम ये सब लोग ये सब लोगों को चाहिए, सब लोगों को चाहिए, हम उनके साथ हैं, हम उनकी हमदर्दी के सवाल पर कि हम आए। यहाँ क्या है, हर जगह प्रचार है, ये किसान देशद्रोही है, किसान देशद्रोही नहीं, किसान देशभक्त है। मैंने ये कहा, किसान कहता है कि तिरंगे में मेरे बच्चे की डेड बॉडी आती है, उनको ही किसान को सरकार देशद्रोही कह रही है, आंसू आ गए आंखों में, और किसान घर नहीं पहुंचा, वापस मोर्चे पे आया। तो आस्ते आस्ते हम भी पौनी के वासियों को भी ये कहना चाहिए, कहेंगे कि ऐसा है कि जहाँ जो प्रचार है, जो कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं, ये किसानों को उकसाया जा रहा है। अरे 90 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा, पुलिस वाले ने छुट्टी लेकर, आर्मी वाले ने छुट्टी लेकर, कल आपने आपकी न्यूज़ सुनी सुंदरबनी से, कुछ BSF वाले गायब हुए, कहाँ गए? उनके माँ बाप मर रहे हैं बॉर्डर पर, नौकरी की कोई परवाह नहीं करेगा। तो मसला ना बढ़ाते हुए, मसले को तूल ना देते हुए, खोरी ये समस्या हल करनी चाहिए।
अभी आपका कहाँ तक जाएगा ये जुलूस निकाला हुआ? ये तहसील तक जाएंगे जी, हम जाएंगे, हमारा शांतिपूर्व जुलूस है, हम जिम्मेवार लोग हैं। पर साडे जिहड़े बुजुर्ग बडेरे सन उन्होंने इस कानून काले कानून के पिछे कोई भी हां नहीं मारी, क्योंकि अज हर इंसान का फर्ज बनता है कि अगर तीन काले कानून आए ने, शायद मैं इस गल कहते भी परहेज नहीं करांगा, शायद हो सकता जो बीजेपी के लोग ने वह समर्थन च हो गए, पर एक गल मैं कह दवा स्टेज तू कि आने वाले समय से तुहाडे बच्चे ने भी रोटी खा के, जिन्होंने अंबानी और अडानी मोदी जी देख के नहीं थे जी सकते, तुहाडे बच्चे रोटी खा के ही इंसान जिंदा रह सकता जे, पर जे कि अगर तुम हिमायत करो गवर्नमेंट बच्चे जिंदा नजर रख सकती, आने वाली नस्ल को जिंदा नजर रख सकती, रोटी तू बगैर, रोटी खाने तू बिना अखा नजर खोल दिया, पानी पीने तू बिना अखा नजर खोल दिया। पर एक गल मैं होर दसा, अगर 70 साल साढ़े बुजुर्ग ने अगर बीजेपी को बाहर रखा, होंद में नहीं आन दिता, पार्लीमेंट के अंदर नहीं आन दिता, इस करके साढ़े बुजुर्ग जेड़े दादे परदादे सन, मैं इस गल कहना कि अनपढ़ जरूर सन, पर लेकिन वो बड़ी लंबी सोच वाले लोग सन, क्यों? यह गवर्नमेंट यह पब्लिक की फेवर की गवर्नमेंट नहीं, यह बड़े बड़े पूंजीपतियों की गवर्नमेंट है, यह उन्होंने पक्ष की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, पब्लिक राइट है, यह तानाशाही असी नहीं चल देने, इतने अज की दुनिया तक लखा है करोड़ों का हिसाब किसान जागया, हुण तुसीं अपनी आने वाले समय ख्याल ना समझो, तुसीं कितने होर ही लभोगे हिंदुस्तान के अंदर, तुहाडे वास्ते जगह नहीं। हाँ ये तो नहीं मैं आखदा, ये बिच मैं बोलूँ कि अस इन्नी हिम्मत नहीं रखते कि अस चलो दिल्ली चलने ट्रक भरो जा चार पाँच साढ़े भी इतने ट्रैक्टर हैं या गड्डिया भरचै दिल्ली जाके तो अस मेरे ख्याल से नसीब भी हो गए क्योंकि सर्दी लगती है डंडे भी पाते हैं अगुआ का दिल भी लाए देने। लेकिन मोदी साहब का भी कसूर नहीं है, वो लटेरे हम घेरी गए अख नहीं खुला, लेकिन ये कसान बता दे सारे लोगों की पता है, अगर किसानों पर अत्याचार हो रहा है तो बाकी स्टाफ मुलाजिमों पर भी हो रहा है, और आज कोई भी ऐसा मुलाजिम गवर्नमेंट के अंदर क्या वो SP है, क्या वो डेली वेजर है, क्या वो कुछ भी तरीके का है, सिर्फ अपने आप ये सेम महसूस करा रहा है। लेकिन ये तो नहीं मैं आखदा, ये बिच मैं बोलूँ कि अस इन्नी हिम्मत नहीं रखते कि अस चलो दिल्ली चलने ट्रक भरो जा चार पाँच साढ़े भी इतने ट्रैक्टर हैं या गड्डिया भरचै दिल्ली जाके तो अस मेरे ख्याल से नसीब भी हो गए क्योंकि सर्दी लगती है डंडे भी पाते हैं अगुआ का किल भी लाए दिन उन्हें, फिर गवर्नमेंट का क्या काम बनता? जब किसी भी अधिकारी का काम तुम जो या गवर्नमेंट को तुम जो अपनी फरियाद ली है उनका काम नहीं है कि थोड़ी फरियाद की सुनिया जा, प्राइम मिनिस्टर देश का राजा है, मालिक है, कोदा मालिक है, और उन्हें लोगों अपना तावन दई है, दूसरी दफा उसकी गवर्नमेंट बनाई है और उसी सेरा बनाया, उसी शर्म नहीं इस गलती आई कि मैं इन्हें लोगों के गफो तो गल करा, 160 आदमी मरी चुके शहीद हो चुके हो, कदे जबान नहीं खुली कि उत्थे जेड़े लोग शहीद हुआ करते हैं, मुझे उनका अफसोस है क्योंकि वो सर्दी में बैठे थे, कोई बिरध न कोई कैसे अज तक नहीं मिलिया, एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर लाई उड़िया वो आंदा चलो जी उस 22-23 आदमी ने मीटिंग हुई एक पॉइंट उन्हें रखिया वह जवाब कोई नहीं अपने आका के पास चली जाता वो कि महाराज ये उन्हें पॉइंट रखिया हूँ अस बड़ा एक गलत समय है और इले अस गरीब किसान किटे हुई है किसान की मदद करनी चाहिए जेडे काले कानून तुम्हारे उपर थोपे जा रहे हैं तीन साढ़े बुजुर्ग कुछ पहले आ रहे हैं कोई 47 को पहले जो कोई कानून रहे हो तो रहे हो लेकिन 47 के बाद जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा है ये जी अत्याचार कानून नहीं आए और ना ऐसी कोई बड़ी कठोर सरकार आई है जी 70-80 दिन के किसान उसे ठंडू कने मरी गए और लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा हा जय किसान दे जय जवान किसान का कर जमे का पुत्र उज बॉर्डर की रक्षा करा रहा उड़े पुलिस के बच्चे जवान है और मैं कहना अंत भगत सरकार ने किसान और जवान की आपस में लड़ाई उड़िया है और इस गल का सारे की पता है कुछ तक उस दिन 26 तारीख जिला वो टेस्ट करने लिए लाल किला निकली है क्या थे मोदी साहब की सरकार या अमित शाह की सरकार सुती थी क्या नहीं पता नहीं लग्या
लाल किला दा उपर चिड़ी फकर नहीं मार सकती, लेकिन इन्ने बड़े लोग चली गए और अज उन्हें लोगों की और किसानों की आती नैशनल आखाद शेम होनी चाहिए असी गवर्नमेंट की। किसान जी क्या इतने आजादी का मत हर माध्यम के बंदे का क्या योगदान नहीं है? क्या हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आजादी का नहीं है? जेड़े अज लोग चंद लोग अज गवर्नमेंट के उपर अभी हो गए, लेकिन मोदी साहब का भी कसूर नहीं है, वो लटेरे उनके रीगे आंख नहीं खुला दी।